कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जयपुर व्लॉग्स में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं KTM RC 200, जो कि कंपनी ने इसका जो न्यू ग्राफिक्स है वो लॉन्च किया है। तो चलो देखते हैं कंपनी ने इसके जो ग्राफिक्स है वो किस तरीके से निकाले हैं। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। इंजन की बात करें तो इसमें 199.5 cc का इंजन मिलता है। पावर की बात करें तो 24.6 PS 10,000 RPM पे मिलता है। टॉर्क की बात करें तो टॉर्क जो है इसका 19.2 Nm 8,000 RPM पे मिलता है। बोर 72 mm का मिलता है। स्टॉक की बात करें तो 49 mm का इसमें आपको स्टॉक मिलता है। इस बाइक में आपको लिक्विड कूलिंग देखने को मिलता है। 6 गियर हैं। और अगर अपन फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो 9.5 लीटर तक का आप इसमें पेट्रोल डलवा सकते हैं। फ्रंट और बैक दोनों में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं और दोनों ही डिस्क ब्रेक ABS के साथ वर्क करते हैं। ड्यूल चैनल गाइस में आपको ABS मिल रहा है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस बाइक का ये है। फ्रंट ब्रेक साइज आपको 300 mm का मिलता है और रियर ब्रेक साइज़ 230 mm का मिलता है। व्हील साइज़ की बात करें तो गाइस फ्रंट और बैक दोनों में ही आपको सेम व्हील साइज़ देखने को मिलते हैं। 17 इंची के इसमें आपको व्हील साइज़ मिलते हैं। गाइस कंसोल की बात करें तो इसमें आपको कंसोल डिजिटल देखने को मिल जाता है। हैंडल की लेफ्ट साइड की बात करें तो पासिंग स्विच, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर स्विच प्लस हॉर्न स्विच आपको देखने को मिलते हैं। और राइट साइड की अगर बात करें तो राइट साइड में आपको किल स्विच और स्टार्ट सेल्फ बटन देखने को मिल जाता है। गाइस के फ्रंट टायर साइज़ की बात करें तो 110/70/17 का आपको फ्रंट टायर साइज़ मिलता है और रियर टायर साइज़ की बात करें तो 150/60/17 का रियर टायर मिलता है। दोनों ही टायर आपको ट्यूबलेस देखने को मिलते हैं। दोनों ही ABS के ऊपर वर्क करते हैं। इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। इंडिकेटर की बात करें तो चारों इंडिकेटर आपको LED देखने को मिलते हैं। हेडलाइट्स की अगर बात करें तो हेडलाइट्स इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलती है। जैसा अभी आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं आपको जो लाइट्स है वो प्रोजेक्टर देखने को मिलती है। व्हील बेस की बात करें तो 1341 mm का व्हील बेस मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 153 mm ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। कैसे बात करते हैं वेट की तो इसमें 160.6 किलो का आपको इसमें वेट मिलता है। कैसे बात करते हैं इसके एवरेज की, जो कंपनी इसका एवरेज बताती है वो बताती है 30-35। अगर आप सिटी में हैं तो आपका जो बाइक है वो 30 का एवरेज देती है और हाईवे पर हैं तो 35 का देती है। बाकी अपना सारा डिपेंड होता है अपन गियर किस तरीके से शिफ्ट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है एवरेज। गियर शिफ्टिंग अगर आपका अच्छा है तो सिटी में आपका 35 का भी एवरेज निकाल लेगी और गियर शिफ्टिंग अगर ख़राब है तो हाईवे पे भी आपका जो एवरेज है वो अप डाउन होता रहेगा। मान लीजिए गियर शिफ्ट आप अच्छे से नहीं कर रहे हाईवे पर तो आपका जो एवरेज है वो 25 का भी निकल सकता है, 30 का भी निकल सकता है। गाइस इस बाइक में आपको एक चेंजेस देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं अभी जो बाइक है वो लो बीम पे और हाई बीम करते ही हाई बीम वाली लाइट जल गई। पहले जो BS फोर्स मॉडल जो आते थे उनके अंदर ऐसा नहीं होता था। उसमें हाई बीम करते ही आपकी दोनों लाइट जो थी वो ऑन हो जाती थी। बट इस बाइक में आपको अब वो फीचर्स देखने को नहीं मिल रहा। मैं आपको अब इस बाइक का साउंड सुना देता हूँ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको इस बाइक का जो साउंड है वो कैसा लगा। गाइस तो ये इस बाइक का साउंड था। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको इस बाइक का जो साउंड है वो कैसा लगा। अब गाइस इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं तो इसकी जो ऑन रोड जयपुर प्राइस है 2,30,000 है। तो गाइस वीडियो करते हैं ये एंड। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और पास से बेल आइकन आ रहा होगा उसको दबाओ जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सेफ ड्राइव, सेफ राइड एंड ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। बाय।